हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और मेरी गोरखपुरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं यहां पे शेयर करने जा रही हूं वो है कढ़ाई चिकन की रेसिपी। और कुछ ही स्टेप में, बहुत ही आसान स्टेप में आप अपने घर पे इसे बना सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपका जो रेसिपी है वो एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल वाला तैयार हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम चिकन और ये विद बोन चिकन है, तो इनमें कुछ मसाला हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, फिर लाल सूखी मिर्च पाउडर एक चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट लगभग दो चम्मच, और इसे अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग आधे घंटे के लिए यानी कि 30 मिनट के लिए हम लोग इसे साइड में रख देंगे ताकि ये एकदम सेट हो जाए। अब एक पैन को हम लोग गर्म करेंगे और कढ़ाई चिकन मसाला ड्राई हम लोग यहाँ पे रेडी करेंगे। उसके लिए हमने लिया है चार लाल सूखी मिर्च, एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च। फिर इसके बाद एक चम्मच मोटी सौंफ। बस ये इतने हमें मसाले लेकर रोस्ट करना है। तो जब इसकी हल्की हल्की आपको खुशबू आने लगे तो इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है और इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। तो देखिए, अब हम लोग इसे मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पाउडर बना लिया है और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये कढ़ाई चिकन का ड्राई मसाला रेडी है। अब हम लोग एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल डालकर जो चिकन हमने मसाले लगाकर रेडी किया था वो इसमें हम लोग डाल देंगे और लगभग आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक आपको रखना है। आप इसका लिड भी लगा दें या आप चाहें तो खुले में भी बना सकते हैं। तो इसको हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से एकदम ड्राई करना है। तो ये देखिए, ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने डाला है अदरक के कटे हुए कुछ लंबे लंबे पीस, 3 से 4 स्प्लिट की हुई हरी मिर्च और एक चम्मच धनिया पाउडर। फिर डालेंगे हम लोग जीरा का पाउडर, जो है वो है आधा चम्मच, ये भी ऐड करेंगे हम लोग। और फिर हल्दी, आधा चम्मच हल्दी। स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर दें, क्योंकि नमक आपने पहले भी ऐड किया है तो इस समय आपको बहुत सावधानी से नमक डालना है। फिर जो कढ़ाई चिकन के लिए हम लोग ने ड्राई मसाला रेडी किया है वो भी आप इसी स्टेज पर ऐड कर दें और जो लहसुन का पेस्ट है 1 से 2 चम्मच यहाँ पे ऐड कर दें। फिर यहाँ पे टमाटर की प्यूरी है वो डाल दिया है हमने, और ये टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिया था मैंने। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से लिड लगा देंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको आधा ग्लास पानी भी ऐड करना है ताकि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप इसे लिड से ढक दें और 3 से 4 मिनट तक आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखें। फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइस शिमला मिर्च के लिए हैं और प्याज के लिए हैं, जो कढ़ाई चिकन मसाला में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसे आप मिक्स कर लें। फिर यहाँ पे 2 चम्मच दही डाला है और इसे भी आप बहुत अच्छे से आराम से मिक्स कर लें ताकि आपके चिकन के पीसेस टूटे ना। फिर यहाँ पे 2 चम्मच कम से कम
आपको अमूल फ्रेश क्रीम या मलाई आपको ऐड कर देना है। हरी धनिया से गार्निश कर लीजिए और फिर से इसे बहुत ही आराम से मिक्स कर लीजिए। फिर से हमें 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से ग्रेवी में उबाल आने तक वेट करना है। और ये देखिए ग्रेवी अब एकदम अच्छे से रेडी है और ये लेग पीस भी एकदम अच्छे से पक चुके हैं। ग्रेवी बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ दी है। तो ये कढ़ाई चिकन मसाला हम लोग का रेडी है और इसे अब हम लोग सर्व कर लेंगे। तो अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा बढ़ानी है तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा डालिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा ड्राई बनाया है। ऊपर से गार्निश करेंगे हरी धनिया से। तो ये देखिए कढ़ाई चिकन की रेसिपी एकदम रेडी है और वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा चेक करके दिखा रही हूँ आपको, ये एकदम अच्छे से पक चुका है। तो आपने बहुत ही आसान स्टेप में अपने घर में ये आप रेडी कर सकते हैं। और अगर आप ये अपने घर में ट्राई करें तो अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें मेरे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।